नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल। प्रकाश जावड़ेकर बने मानव संसाधन विकास मंत्री, स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय। वेंकैया नायडू को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। अनंत कुमार होंगे संसदीय कार्य मंत्री। रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का जिम्मा। असम के 7 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। करीब 1 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत। पुरी रथ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। देश के ज्यादातर हिस्सों में कल। और विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची विलियम्स बहने। फाइनल के लिए वीनस और कर्बर के बीच भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में सेरेना और वेस्नीना होंगी आमने सामने। नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रालय में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। कैबिनेट में सबसे बड़ा बदलाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हुआ है। स्मृति ईरानी की जगह लेकर अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्मृति ईरानी अब कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगी। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली का भार कुछ कम किया गया है। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे वेंकैया नायडू को दे दी गई है। अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली की मदद के लिए एक की जगह 2 राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। संतोष कुमार गंगवार के पास वित्त राज्य मंत्री का जिम्मा होगा। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को भी वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि इससे पहले वेंकैया नायडू संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। इसके अलावा कानून मंत्रालय संभाल रहे सदानंद गौड़ा की जिम्मेदारी अब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दी गई। सदानंद गौड़ा को कानून मंत्रालय से हटाकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और इससे पहले कल केंद्रीय कैबिनेट में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। ये नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का 2रा विस्तार था। और इसके अलावा शपथ लेने वाले बाकी अन्य राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। एसएस अहलुवालिया को 2 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। उन्हें कृषि साथ संसदीय कार्य मंत्रालय का भी राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि अनिल माधव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से शिवसेना और अपना दल खुश नहीं है। वही कांग्रेस और सीपीएम ने इसे चुनावी गणित का विस्तार बताया है। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी के एजेंडे का विस्तार बताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के तुरंत बाद शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। पार्टी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए का न होकर महज बीजेपी का है। सभी बीजेपी का विस्तार है ये। बात रही एनडीए की, मुझे लगता है कि अकाली दल को भी नहीं बुलाया, तेलुगु देशम को नहीं बुलाया, तो जो दुख उनका रहेगा वो शिवसेना का है। शिवसेना के मन में कोई दुख।
एनडीए के एक और घटक दल अपना दल ने भी पार्टी की निष्कासित सांसद अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना है कि जब हम लोग घटक दल हैं तो हमें विश्वास में लेना चाहिए था, चाहे टेलीफोन से हमें साझी पूछ लेते या कोई पूछ लेता या हमको बुला लेते कि भाई हम आपके पार्टी से किसी को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और सीपीएम का आरोप है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम की जगह चुनावी गणित को ध्यान में रखा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी कवायद केवल चुनावी लाभ लेने और वोट बटोरने तक सीमित है। यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के गिरते ग्राफ को बचाने की भी आखिरी कोशिश है। अभी देखा गया सरकार ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर जोर दे रही है और गवर्नमेंट के ऊपर इतना जोर कि चुनाव जीतने के लिए ही मंत्रिमंडली के प्रसार को ही हथियार के रूप में व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बहुत बदनसीबी है इस देश के लिए और योग्यता को ध्यान नहीं दिया गया। एजेंडे में फिर बदल क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सांप्रदायिकता का है, जनहित का नहीं है, विकास का नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ड्रामा बताया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इसमें किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के कम समय अवधि के कर्ज देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। बैठक में 2 उच्च न्यायालयों के नाम बदलने से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। संसद से विधेयक के पारित होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का नाम चेन्नई हाईकोर्ट हो जाएगा। कैबिनेट ने एक्सिस बैंक में एफडीआई की सीमा 62 से बढ़ाकर 74% करने को भी हरी झंडी दे दी है। टर्म लोन है 1 साल के लिए 3 लाख रुपए। तीसरा, मार्केट बैंकिंग लेंडिंग रेट है 9%। भारत सरकार इस पे 5% की छूट देती है, ये 4% पर अवेलेबल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने सोमवार को उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। उधर दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अन्य आरोपी को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि आरोपी रसूखदार हैं, इसलिए इनके बाहर रहने पर जांच पर असर पड़ सकता है। 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी राजेंद्र कुमार जी के लिए और एक्यूज जो पकड़े हैं, तो उसमें से कोर्ट फेल्ट के 10 दिन की कोई जरूरत नहीं है, 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 2006 के इस मामले में सीबीआई अब कार्रवाई कर रही है। इससे पता चलता है कि जांच एजेंसी का क्या मकसद है। सरकार में जो ऑफिसर काम कर रहा है लोगों के लिए, उसको डराना धमकाना इनका मकसद है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ में काम करोगे तो जेल भेज देंगे, नहीं तो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, ये इन्होंने किया। इस पूरे मामले में बीजेपी जहां केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र कुमार का बचाव करने पर सवाल उठाया है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप पार्टी किसी भी अफसर का इस हद तक जाकर बचाव क्यों कर रही है? ऐसी क्या तालमेल है आपके अंदर, ऐसी क्या परेशानी है, आप क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं? जब छापा पड़ा था तभी इनको कदम उठा लेना चाहिए था। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अपने ही नाक के नीचे भ्रष्टाचार होने के लिए या पनपने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। राजेंद्र कुमार पर 50 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके में कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन्हें सोमवार को सीबीआई ने 4 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। इनमें केजरीवाल के कार्यकाल में उप सचिव तरुण शर्मा भी शामिल हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को समन भेजा है। उन्हें 15 दिन के भीतर खुद पेश होने या प्रतिनिधि भेजने और निजी कागजात जमा कराने को कहा गया है। पीटीआई के मुताबिक ईडी ने एएसएल मैक्सिस करार मामले में कीर्ति को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें पहली बार नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और चेस ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जांच हो रही है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। इन कंपनियों में कार्ति निदेशक थे। पिछले साल चेस ग्लोबल कंपनी की तलाशी भी ली गई थी।
तेलंगाना में आज से निचली अदालतों के जज काम पर वापस लौट आए हैं। कल निचली अदालतों के जजों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से निचली अदालतों के 11 जजों के निलंबन के बाद करीब 200 जज सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इससे पहले तेलंगाना जज एसोसिएशन ने कहा था कि अगर 11 जजों के निलंबन वापस लिया जाता है तो वो काम पर लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी जजों से काम पर लौटने की अपील की थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन में 11 जजों को निलंबित किया था। तेलंगाना के जज और वकील आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें आंध्र प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को तेलंगाना भेजा जा रहा है। हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री पीटर जुजारतो ने कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। जुजारतो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और हंगरी के बीच फिलहाल सालाना $60 करोड़ का व्यापार होता है। भारत ने हंगरी में करीब $2 अरब का निवेश किया है और हाल के सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मदुरई सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। बात मौसम की, देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून जोरों पर है लेकिन कई इलाकों में आसमान से आफत भी बरस रही है जिस वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1,00,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड में लोगों तक राहत पहुंचाने का काम जोरों पर है। असम में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसकी वजह से करीब 1,00,000 लोग कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। बाढ़ ने खीमपुर, धेमाजी, नौगांव, जोरहाट, गोलाघाट, मौरीगांव और विश्वनाथ जिलों में कहर बरपाया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कई हिस्सों में पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल भी बर्बाद हो गई है। It's basically a very low-lying flood that we are having and we have not yet established any relief camp. However, in Lakhimpur, which is the major district that is affected, over 54,000 in Lakhimpur itself, distribution centers. दूसरे राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड के कई इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। पूरा सामान नहीं निकालने पाए, पूरा बह गया, पूरा घर मेरा गिर गया, खाने का जितना था वो पूरा सामग्री पूरा भीग गया, खाने का कुछ नहीं है, हम लोग रोड पे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से उभरने की कोशिशें जारी हैं। बीते हफ्ते राज्य के कुछ हिस्सों में बादल फटने और मूसलाधार बारिश से कई लोगों की जान चली गई। कुछ लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में बरसी आसमानी आफत ने कई लोगों को गांवों से पलायन के लिए मजबूर कर दिया है।
राज्य ने इस मामले में केंद्र सरकार से मदद मांगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों जगह चले, यहाँ तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है, जो दबे हुए लोग थे, जो नुकसान जत थे, वो निकाल दिए गए हैं, और मगर बस्तरी में अभी हम केवल अभी भी 5-6 लोगों के जो है दबे होने की आशंका है। लेकिन मेरा आग्रह जरूर है भारत सरकार से कि इस आपदा की जो स्थिति है और भविष्य के लिए जो आपदा आ सकती है उसके निपटने के लिए राज्य सरकार को उदारतापूर्वक सहायता दें। देश के और भी कई हिस्से हैं जो मौसम की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को बिहार के गया जिले में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बिजली की चपेट में आने की वजह से 6 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। दरअसल जोरदार बारिश से बचने के लिए ये लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। उधर पाकिस्तान और चीन में भी बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। चीन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के चित्राल में बाढ़ से 28 लोगों की मौत हुई है। तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान के चित्राल जिले की हैं, जहां बाढ़ के बाद आया सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। भूस्खलन और बाढ़ में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी मदद के इंतजार में बैठे हैं। जमीनात वगैरह सब खत्म हो चुके हैं और जानी माली और ये बहुत नुकसान हो चुके हैं। उधर चीन के मध्य और दक्षिणी इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है, जिसके चलते सैकड़ों मकान और 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है। हजारों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। 30 के मुताबिक अब तक बाढ़ से 100 लोगों की मौत हो चुकी है और $3 अरब से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने भी मंगलवार को अनहुई इलाके का दौरा किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इस इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ढाका हमले को अंजाम देने वाले कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पुलिस अब मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कल राजनयिकों को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी। ढाका हमले के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को आतंकवाद रोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया। इसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कई अज्ञात लोगों का नाम भी FIR में है। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसे मास्टरमाइंड की तलाश है। पुलिस की ओर से जारी 5 हमलावरों की तस्वीर में कैफे का एक शेफ भी है। इटली के एक दल ने होले आर्टिसन बेकरी का दौरा किया। हमले में इटली के 9 नागरिक मारे गए हैं। इटली के विदेश मंत्री ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर बांग्लादेश में सतर्क रहने को कहा है। Of course we have to counter global terrorism in order to counter global terrorism we need global response, common response. In terms of cooperation of intelligence, cooperation of policies, and all what we need in order to continue to resist to this challenge. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी आज विदेशी राजनयिकों को ताजा हालात और जांच की प्रगति की जानकारी दी। The investigation is underway. The people who carried out the attack are all Bangladeshi local youths. And there is no such foreign engagement that we have found so far, but investigation will work on every possibilities. हमले में मारे गए 7 जापानी नागरिकों के शव भी मंगलवार को टोक्यो पहुंचे। यहां मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। हमले में भारतीय युवती तारिशी जैन और बांग्लादेश मूल का अमेरिकी नागरिक भी मारा गया था। वहीं बांग्लादेश के 2 नागरिकों की भी जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नासा का अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अगले 20 महीने में यान बृहस्पति के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा।
जुपिटर के रहस्यों पर से जल्द ही पर्दा उठेगा। इसका खुलासा करने के लिए मिशन पर निकला अंतरिक्ष यान जूनो बृहस्पति की कक्षा में पहुंच गया है। 5 साल के लंबे सफर के बाद आखिरकार जूनो का मिशन कामयाब रहा। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही नासा ने इतिहास रच दिया है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। जूनो बृहस्पति के वातावरण में जल की मौजूदगी का पता लगाने की भी कोशिश करेगा। NASA did it again. And I am so happy to be part of the team that did that. I mean, this team has worked so hard and we have just such great people. And it's almost like a dream coming true right here. सौर मंडल में जुपिटर सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, जिसका वजन बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। ये ग्रह गैस से बना हुआ है, वैज्ञानिक इसे टाइम कैप्सूल की तरह मानते हैं। इसके रहस्य को जानने के लिए जूनो का सफर 5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2013 में इसे एक बार फिर से धरती पर वापस बुलाया गया। वैज्ञानिकों ने इस बार अंतरिक्ष यान की गति को पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा दिया। जूनो 20 महीने में बृहस्पति की दुनिया के करीब 37 चक्कर लगाएगा। नासा ने इस मिशन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। The team, the amount of time and effort everyone put into this and the risks that were overcome, it's amazing. I mean, the more you know about the mission, you know just how tricky this was and to have it be flawless. जूनो के सामने जुपिटर में जबरदस्त तरंगों के दबाव के बावजूद अपनी सही दिशा कायम रखने की बड़ी चुनौती है। नासा वैज्ञानिकों ने जूनो में ऐसी पद्धति का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए अपना मकसद पूरा हो जाने पर जूनो खुद को खत्म कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 15 लोग सवार थे। सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल थे। यह हादसा पूर्वोत्तर प्रांत गिरिसन में हुआ। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह दुर्घटना हुई है। और खेल की दुनिया में अब विंबलडन से जुड़ी खबरें। महिला एकल में सेमीफाइनल लाइनअप तय होने के साथ ही विलियम्स बहनों के बीच फाइनल की संभावना बढ़ गई है। सेरेना और वीनस विलियम्स दोनों सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन सेरेना ने क्वार्टर फाइनल में रूस की पावलिचेनकोवा को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हरा दिया। सेरेना ने 10वीं बार विंबलडन के आखिरी 4 में जगह बनाई है। इससे पहले वीनस विलियम्स ने कजाकिस्तान की यरोस्लावा श्वेदोवा को सीधे सेटों में मात दी। वीनस ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले को 7-6, 6-2 से अपने नाम कर लिया। वीनस 2009 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में सेरेना का सामना रूस की गैरवरिया एलेना वेस्नीना से होगा। वेस्नीना ने क्वार्टर फाइनल में स्लोवाकिया की डोमिनिका चिबुलकोवा को सीधे सेटों में मात दी है। वेस्नीना ने मैच 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। फाइनल में वीनस विलियम्स को जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन एंजेलिक कर्बर को हराना होगा। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मन खिलाड़ी कर्बर ने रोमानिया के सिमोना हालेप को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कर्बर ने यह मुकाबला 7-5, 7-6 से जीता। कर्बर दूसरी बार विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। अगर कर्बर विंबलडन में चैंपियन बनती हैं तो वो सेरेना को हटाकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप में आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। फाइनल में जगह बनाने के लिए पुर्तगाल को वेल्स की चुनौती पार करनी होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के सामने फ्रांस की चुनौती होगी। दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। जरेथ बॉल की अगुवाई में वेल्स टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो बीते 50 साल में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली ब्रिटिश टीम होगी। लेकिन इसके लिए वेल्स को स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर अंकुश लगाना होगा।
वेल्स ने बेल्जियम टीम को 3-1 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। स्टार खिलाड़ियों से सजी पुर्तगाल 2000 से अब तक के यूरो कप के 5 संस्करणों में चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में भक्त जमा हुए हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा के रथों को मंगला आरती और सोने की झाड़ से सफाई के बाद यात्रा निकाली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के मौके पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से देश के विकास की कामना भी की है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 7 बजे रथ को खींचकर यात्रा की शुरुआत की गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। जामा मस्जिद के शाही इमाम के मुताबिक मंगलवार देर शाम तक चांद दिखाई नहीं देने की वजह से ईद बुधवार की बजाय गुरुवार को मनाई जाएगी। हालांकि कुछ राज्यों में आज ही ईद मनाई जा रही है। केरल और जम्मू कश्मीर में आज ही लोग ईद बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में 7 जुलाई को ईद के मौके पर छुट्टी रहेगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल। प्रकाश जावड़ेकर बने मानव संसाधन विकास मंत्री, स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय। वेंकैया नायडू को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। अनंत कुमार होंगे संसदीय कार्य मंत्री। रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का जिम्मा। असम के 7 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। करीब 1 लाख लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत। पूरी रथ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। देश के ज्यादातर हिस्सों में कल मनाई जाएगी ईद। केरल और जम्मू कश्मीर में लोग आज मना रहे हैं ईद। और विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची विलियम्स बहने। फाइनल के लिए वीनस और कर्बर के बीच भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में सेरेना और वेस्नीना होंगी आमने सामने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।